हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि जानते हैं आप, माई सेल्फ एजाज़ अहमद और वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम आपको क्लासिफिकेशन का पार्ट जो है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे कि सभी जानते हैं, फादर ऑफ द क्लासिफिकेशन किसको कहा जाता है? लीनियस हमारे फादर ऑफ द क्लासिफिकेशन हैं, जिनको कहा जाता है, जनक कहा जाता है। और इससे पहले बहुत से अरिस्टोटल भी आए, उन्होंने फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, उन्होंने काफ़ी स्टडी की थी। और जो लीनियस हैं, इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया है, तो इसीलिए फर्स्ट क्लासिफिकेशन दिया है, इसीलिए इनको फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है, फादर मतलब जनक कहा जाता है क्लासिफिकेशन का। तो नीड हमें क्या ज़रूरत पड़ी क्लासिफिकेशन की, क्या ज़रूरत है हमें क्लासिफिकेशन समझने की, पढ़ने की, जानने की? तो इसका भी अपना एक साइंस में, बायोलॉजी में बहुत ही बड़ा एक इम्पोर्टेंस है, योगदान है। तो दो नीड हमने आपको बता रखी है यहाँ पे, जैसे कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये एक वो रिलेशनशिप है जो हम एक ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, एक रिलेशनशिप अगर सेम ग्रुप में भी हैं तो उनकी इवोल्यूशनरी, आज से 20 साल पहले क्या कौन सा, मतलब एक सेम ऑर्गेनिज्म है और आज के टाइम में वो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या फीचर्स, मतलब इम्प्रूवमेंट हुए हैं, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, तो क्या क्या उनमें मॉडर्नाइजेशन हुआ है। तो जितने भी 100 साल भी उनके आज, इनका जो हर एक ऑर्गेनिज्म का स्पेसिमेन जो है वो कलेक्ट किया हुआ है, DNA RNA जो है वो आपका, ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में पता करते हैं। इसी तरीके से सेम दूसरा जो पॉइंट है, और सारे पॉइंट हैं, क्योंकि हमें पता है कि दो स्पीसीज के अगर बीच में हम डिफरेंस पता करेंगे तो हमें मात्र एक ही रास्ता है जो हमारे पास, वो क्या है, वो क्लासिफिकेशन का है। दूसरा हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट है वो रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये जो ग्रुप ऑफ, यहाँ पे इंडिविजुअल सिंगल की बात करें तो यहाँ ग्रुप की बात कर रहे हैं, है ना, ट्राई टू क्लियर दिस पॉइंट। और ग्रुप में जब हम क्लासिफिकेशन अंडरस्टैंड करते हैं इवोल्यूशनरी का, तो हमें उसमें बहुत ही इसमें हेल्प मिलती है। सेम नीचे वाला जो हमने लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन दे रखा है, तो इसमें एक लेवल ऑफ द क्लासिफिकेशन है जो डोमेन से लेके आपका किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, हर स्पीसीज का हम इसी तरीके से ऑर्डर बनाते हैं। इसमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म नीचे बॉटम पे आते हैं और टॉप पे आपका लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स आते हैं। किंगडम लार्जेस्ट ग्रुप है आपका, जिसमें बहुत सारे एनिमल्स आते हैं डोमेन। और इसके बाद हम टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो हम शुरू में आपको स्टार्टिंग में बता चुके हैं कि जो लीनियस हैं वो हमारे फादर ऑफ क्लासिफिकेशन हैं, और टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो लीनियस जी हैं, उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है, जिसमें उन्होंने सिंपली प्लांट्स और एनिमल को कैटेगराइज किया है, और प्लांट जिसको क्या है, प्लांटी और एनिमेलिया ग्रुप बनाए हैं इन्होंने लगभग 1758 में इन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया था। इसके बाद थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो है, ये थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय अर्नेस्ट हेकल इन 1866 में इन्होंने दिया था, जिसमें इन्होंने एनिमल और जो प्लांट हैं उसके साथ एक प्रोटिस्टा का क्लास दिया था। ठीक है, ट्राई टू क्लियर दिस पॉइंट, टू किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय लीनियस और थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन बाय अर्नेस्ट एंड हेकल। इसको बिग ईयर के याद करिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में मोस्ट मेनी ऑफ द टाइम, है ना, आस्क द क्वेश्चन अबाउट द ईयर। सेम फोर किंगडम द क्लासिफिकेशन गिवन बाय द कॉपलैंड इन 1956 में इन्होंने दिया था। इन्होंने प्रोटिस्टा, प्लांटा और एनिमेलिया के साथ साथ एक और ग्रुप डिस्कवर किया था, इन्होंने बनाया था, ठीक है, वो है मोनेरा। इसके बाद फाइव किंगडम ऑफ द क्लासिफिकेशन गिवन बाय द RH वाइटेकर इन 1969 में दिया था, और इन्होंने प्लांटी, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा, मोनेरा, इसके साथ साथ इन्होंने जो डिस्कवर किया था, बनाया था, ठीक है, वो है फंजाई। फंजाई एक नया ग्रुप उन्होंने बनाया था। इसके बाद हम बात करते हैं कर्ल्स वोजेस ने, जिन्होंने सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें उन्होंने एक बैक्टीरिया के ऊपर, है ना, आपका आर्कियोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, इन्होंने
इसमें क्लासिफिकेशन देके और बाकी सेम प्रोटिस्टा, फंजाई और एनिमेलिया में डिवाइड किया था क्लासेस। चलिए तो हम इसी पॉइंट को आगे आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को हम नेक्स्ट डायग्रामेटिक के थ्रू समझते हैं। हाँ जी, तो एज हमने आपको अभी जो डिटेल बताई थी इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट की, तो अब थोड़ा सा डायग्रामेटिक दो डायग्राम है आपको इजीली हैं, हर चीज़ हर बुक में आपको और बुक में इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं। तो सिंपल है, पहले के जो यूकैरियोटिक डायग्राम है कि जैसे यू बैक्टीरिया है तो ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक है, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल एक सेल जो सेल वॉल है, क्योंकि बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन ही इनकी जो पहचान है कि हाँ ये प्लांट सेल में प्लांट ग्रुप में रखा हुआ है और ये किस में स्थित, जो आउटर लेयर है वो सेल वॉल से बनी होती है। बट ये फ्लोटेड मतलब इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म वगैरह नहीं होते ज़्यादा, और एक डीएनए आरएनए जो फ्लोटेड फॉर्म में होता है जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। सेम यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल बैक्टीरिया है। अभी इन दोनों में डिफरेंस एक, इसके बाद हम नेक्स्ट थोड़ी सा स्लाइड पढ़ेंगे तो बस उसमें डिटेल आपको बताएंगे। तो ये भी यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक है, और इसके बाद प्रोटिस्टा आता है। प्रोटिस्टा भी क्या है, एक यूकैरियोटिक है और यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर दोनों ही होता है। और फंजाई की बात करें आपका मल्टीसेलुलर और यूकैरियोटिक है, और एनिमेलिया मल्टीसेलुलर और यूकैरियोटिक, और प्लांटी जिसमें प्लांट्स रखे गए हैं तो मल्टीसेलुलर और यूकैरियोटिक, मतलब ये जितने भी हैं आपके डायग्राम ये यूकैरियोटिक 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 यूकैरियोटिक, बस आपका यहाँ से ये जो स्टेट है आपकी इस पे यूनिसेलुलर है और मल्टीसेलुलर है, ठीक है। बस प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर होते हैं, बाकी फंजाई आपका जो फंजाई है मल्टीसेलुलर है, एनिमल्स और जो प्लांट होते हैं वो मल्टीसेलुलर हैं, आप सभी जानते हो। तो चलिए अभी हम दो चीज़ों को और डिस्कस कर लेते हैं, एक यू बैक्टीरिया है और आर्कियो बैक्टीरिया है। इसके बारे में थोड़ा सा हम एक दो सिंपल एक डायग्राम देखेंगे। तो एक ये जो स्लाइड है आपकी यू बैक्टीरिया की है और ये जो स्लाइड है आपकी आर्कियो बैक्टीरिया की है। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे ये जो फीचर्स हैं दोनों में ही कॉमन है, ये इसमें भी कॉमन है इसमें भी कॉमन है, तो दोनों ही कॉमन फीचर्स हैं, जैसे कि नो न्यूक्लियस, अभी बताया था कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लाइड प्रजनन होता है, नो ऑर्गेनिस्ट ऑर्गेनिस नहीं होते जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्रोमोस मतलब माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह हो गए और राइबोसोम्स वगैरह, ठीक है राइबोसोम्स होते नहीं होते वो देखेंगे अभी, बट जो मेन ऑर्गेनिस होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ये सब नहीं होते हैं। और सिंगल सेल, एक तो सिंगल सेल्ड होते हैं और प्रोकैरियोट्स होते हैं, इवॉल्व है ना फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, मतलब जो कॉमन एंसेस्टर से मतलब ये इवोल्यूशन है इनका। और सेम अब हम ये कॉमन फीचर्स थे, अब थोड़ा सा हम इसमें यूकैरियोट मतलब यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो सेल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यू बैक्टीरिया में, जो सेल वॉल है इट इज़ मेड अप ऑफ द है ना पेप्टोग्लाइसन, पेप्टोग्लाइसन की बनी होती है, और कैन नॉट सर्वाइव इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पे, या हम कह सकते हैं जो बहुत ही आइस कंडीशन होती है जिसमें मतलब माइनस है ना 80 या 150 500 माइनस इस पे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, और या 100,000 में भाई एक्सट्रीम कंडीशन दोनों ही होती हैं, या तो बहुत ही ठंडा कूल या बहुत ही ज़्यादा हॉट है ना, ये एक्सट्रीम कंडीशन होती हैं जिसपे हम मैक्सिमम जो टेम्परेचर है 1000 से ऊपर है ना डिग्री केल्विन जो भी है आपका जिस भी मेजर करेंगे या माइनस में हम ठीक है आपको मेजरमेंट करेंगे तो उसमें ये सर्वाइव नहीं करते हैं। मोर स्टैंडर्ड है ना एनर्जी प्रोडक्शन में आप काम आते हैं ये सब, ठीक है। और लिव इन एक्सट्रीम, ये जो है आपके आर्के है ना आर्के बैक्टीरिया, ये आपको एक्सट्रीम कंडीशन में भी है ना मतलब मिलेंगी इनके जो लाइफ कर जाते हैं एक्सट्रीम कंडीशन में, चाहे वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड कंडीशन हो या बहुत ही ज़्यादा हॉट कंडीशन हो, ठीक है। इसी तरीके से सेल वॉल इनकी डिफरेंट मैटर्स की बनी होती है, इस वजह से ये जो मैटर है ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें जो इनकी सेल वॉल होती है बहुत ही अलग स्पेसिफिक कुछ मैटर्स होते हैं जिसकी वजह से ये है ना सिस्ट की फॉर्म में मतलब एक्सट्रीम कंडीशन को भी टॉलरेट कर जाती है। लेस स्टैंडर्ड होते हैं और एनर्जी प्रोडक्शन है ना लेस स्टैंडर्ड एनर्जी प्रोडक्शन में बहुत ही मतलब कम यूज़ होते हैं एक तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है थैंक यू। और ये आपको जितना भी आज क्लासिफिकेशन में आपको एक्सप्लेन किया है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, और इसके एमसीक्यूज भी हम आपको डिटेल में स्टडी करेंगे बट नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था, और अगेंस्ट थैंक यू आपने जो मुझे लिसन किया और जो वॉच किया उसके लिए बहुत ही धन्यवाद, और
बट आपको यही कहेंगे, मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मुझे बहुत ही खुशी होगी कि आप मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, और मैं इसके लिए बहुत ही आभारी रहूँगा आपके लिए। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे सर।